गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम जितेंद्र पायनियर है फ्रॉम पायनियर अकेडमी स्टूडेंट नांगोली। आज हम लोग जनरल स्टडी के 50 क्वेश्चंस करेंगे जिनके आगामी एग्जाम्स में आने की संभावना है। 50 क्वेश्चंस हैं इसके साथ, जैसे आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, चार चार ऑप्शन सभी में दिए हैं। मैं चाहूँगा कि इनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं उसको भी साथ साथ डिस्कशन करते चले जाएँ, तो अप्रोक्सीमेटली हमारे 200 के करीब क्वेश्चन इसमें बनने की संभावना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज चेस का खेल कहां शुरू हुआ था? शतरंज यानी चेस का खेल कहां शुरू हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन इज भारत यानी इंडिया, पर्शिया, अरब और यूरोप। चार ऑप्शन है बच्चों, बताइए जरा कहां शुरू हुआ था शतरंज का खेल। बच्चों यह शुरू हुआ था भारत में, शतरंज यानी चेस का खेल इंडिया में स्टार्ट हुआ था, तो इसका आंसर ए पार्ट आएगा। दूसरा ऑप्शन है बच्चों पर्शिया, पर्शिया ईरान का ही नाम है, ठीक है, अब इसे ईरान के रूप में जाना जाता है पर्शिया को, और ईरान की राजधानी है तेहरान। यहां अरब की बात की जाती है, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात, इसकी जो कैपिटल है अबू धाबी है। और यूरोप, यूरोप आपको पता ही है महाद्वीप है, इसकी जो स्पेलिंग बच्चों शुरू होती है ई से, ई यू आर ओ पी ई, ठीक है, जो इंग्लिश जो अन्य एग्जाम देंगे बच्चे जिसमें इंग्लिश भी आता है तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक में करीब कई बार यूरोप पूछ लिया जाता है, तो ई से स्टार्ट होता है। इस तरह की जो भी बातें होंगी कंपटीशन रिलेटेड वो मैं आपको बताता रहूंगा। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, जैसे आप देख रहे हैं, कनेक्टिंग इंडिया नारा किस ब्रांड या उत्पाद के साथ संबंधित है? कनेक्टिंग इंडिया नारा किस ब्रांड या उत्पाद के साथ संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है भारत संचार निगम लिमिटेड, सेकंड है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, थर्ड ऑप्शन है एयरटेल एंड फोर्थ इज नोकिया। बताइए कौन सा ऑप्शन ऑप्शन राइट होगा बच्चों? इसका आंसर होगा फर्स्ट पार्ट, भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसे बीएसएनएल भी कहा जाता है, ठीक है, भारत संचार निगम लिमिटेड। थर्ड ऑप्शन है बच्चों वीएस नोयपाल, वीएस नोयपाल निम्नलिखित में से किस पुस्तक अथवा किन पुस्तकों के साथ संबंधित है? ठीक है बच्चों, कई बार जो बुक को राइटर का क्वेश्चन आता है उसमें बुक का नाम दे दिया जाता है, राइटर का नाम पूछ लेते हैं या राइटर का नाम दे देते हैं, बुक का नाम पूछ लिया जाता है। इसमें आपको तीन बुक के नाम दिए हुए हैं, पूछा जा रहा है कि वीएस नोयपाल की इनमें से कौन कौन सी किताबें हैं। फर्स्ट बुक है ए बैंड इन द रिवर, सेकंड है ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, थर्ड है एन एरिया ऑफ डार्कनेस। और नीचे बच्चों ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है ए पार्ट में दिया है केवल एक यानी एक ही किताब उनकी है, सेकंड ऑप्शन है एक और तीन यानी फर्स्ट ए बैंड इन द रिवर और एन एरिया ऑफ डार्कनेस वीएस नोयपाल की है, थर्ड पार्ट में सी में पूछ रहा दूसरी और तीसरी है, और डी में पूछता है कि ये तीनों बुक वीएस नोयपाल की है। तो देखिए बच्चों थोड़ा माइंड पे जोर दीजिए, सोचिए इसका आंसर क्या होगा। वीएस नोयपाल की इनमें से कौन सी बुक है? वीएस नोयपाल बहुत फेमस राइटर हुए हैं, इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था लिटरेचर के क्षेत्र में 2001 का, 2001 में मिला था नोबेल पुरस्कार, और 1971 में बुकर पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा गया था। इनके बुक का नाम था इन ए फ्री स्टेट, बहुत नोटेबल वर्क था इनका, उत्कृष्ट कृति थी, और 2018 में इनकी डेथ हो गई थी। बच्चों इसमें जो आंसर आएगा ये सभी डी पार्ट है, ये सभी यानी ए बैंड इन द रिवर, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास और एन एरिया ऑफ डार्कनेस, ये तीनों ही किताबें जो हैं, तीनों ही बुक वीएस नोयपाल की हैं। ठीक है बच्चों, अगला लिखते हैं हम लोग, अगला फोर्थ क्वेश्चन है हमारा। फोर्थ क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ये यूनेस्को की बात की जा रही है बच्चों, यूएनई एस सी यू यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक
वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है पेरिस फ्रांस, सेकंड है बी पार्ट जेनेवा स्विट्जरलैंड, थर्ड पार्ट है न्यूयॉर्क यूएसए, फोर्थ इज बैंकॉक थाईलैंड। बताइए बच्चों यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बच्चों इसमें आंसर जो आएगा वो आएगा पेरिस फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस है जो कि सीन नदी पर है। यहां जो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे यूनेस्को की, इसकी जो फुल फॉर्म आती है यू फॉर यूनाइटेड, एन फॉर नेशंस, ई फॉर एजुकेशनल, एस फॉर साइंटिफिक एंड सी फॉर कल्चरल, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसका गठन बच्चों हुआ था 16 नवंबर 1945 को, गठन हुआ था 16 नवंबर 1945 में, और इसने जो वर्क करना स्टार्ट किया था वो किया था 1946 में, 1946 में इसने वर्क करना शुरू किया था। किसने? यूनेस्को ने। और बच्चों ये जो है यूएनओ को पार्ट है, यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था 1945 में, 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र संघ है हिंदी में कहा जाता है। इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वाज पॉल हेनरी स्पार्क। ये फॉरेन मिनिस्टर रहे थे बेल्जियम के, और बेल्जियम की राजधानी है बच्चों ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। वर्तमान में यूएनओ के जो प्रेसिडेंट है वो है तिजानी मोहम्मद बेंडी, ये नाइजीरिया से हैं, और नाइजीरिया की राजधानी बच्चों है, कैपिटल है अबुजा। अबुजा नाइजीरिया की कैपिटल है, जहां के यूएनओ के जो प्रेसिडेंट है वो नाइजीरिया से हैं, तिजानी मोहम्मद बेंडी। एक कुछ और क्वेश्चन इस पर बनते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन आता है कि इंडिया यानी भारत यूएनओ का सदस्य कब बना था? यूएनओ का सदस्य कब बना था? बच्चों हमें मालूम है कि भारत 1947 में आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, तो ऐसा लगता है कि 1947 के बाद ही इसका सदस्य बना होगा, परंतु भारत जो है इसका सदस्य 1945 में जब इसका गठन किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को, तभी इसका सदस्य बन चुका था, क्योंकि हम लोग इंग्लैंड के अधीन थे। ठीक है, तो जब हमारे अधीनता इंग्लैंड के अंडर में थी तो उसी समय हम लोग यूएनओ के सदस्य बन गए थे। और विजयलक्ष्मी पंडित जो है, विजयलक्ष्मी पंडित वॉज एन इंडियन डिप्लोमैट एंड अ पॉलिटिशियन हु वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। जनरल असेंबली की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट रही हैं विजयलक्ष्मी पंडित। हाल ही में आपने सुना होगा, अभी द चेयरमैन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड इज डॉक्टर हर्षवर्धन है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में स्विट्जरलैंड में है, उसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन बने हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहां से ली है? भारतीय संविधान ने सुदृढ़ यानी मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहां से ली है? फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सेकंड है कनाडा, थर्ड है यूनाइटेड किंगडम, और डी पार्ट है फ्रांस। तो बताइए बच्चों इसमें से कौन सा आंसर राइट होगा? संघीय प्रणाली बच्चों होती है फेडरल सिस्टम। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो मजबूत फेडरल सिस्टम है, संघीय प्रणाली है, वो कहां से ली गई है? बच्चों आंसर इज
बी पार्ट कनाडा, कनाडा से हमने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली ली है, फेडरल सिस्टम हम लोगों ने कनाडा से लिया है। यहां बच्चों यूएसए की बात की जाती है, अमेरिका की जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन डीसी, और अमेरिका के पहले जो राष्ट्रपति रहे हैं वो थे जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन थे। कनाडा की जो कैपिटल है वो है ओटावा। यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड की कैपिटल है लंदन, जो कि टेम्स नदी पर है। फ्रांस की हमने डिस्कशन किया है, पेरिस है, फ्रांस की पेरिस, जो कि सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स है बच्चों, थॉमस कप का संबंध किस खेल के साथ है, थॉमस कप का संबंध किस खेल के साथ है। फर्स्ट ऑप्शन इज हॉकी, सेकंड है फुटबॉल, थर्ड इज बास्केटबॉल एंड फोर्थ इज बैडमिंटन। बताइए थॉमस कप का संबंध किस गेम के साथ है। बच्चों आंसर है बैडमिंटन। आंसर थॉमस कप का संबंध किस गेम से है, बैडमिंटन से है। बच्चों इसमें हॉकी में कई बार आ जाता है, हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं। बच्चों हॉकी गेम में 11 प्लेयर होते हैं, फुटबॉल में 11 प्लेयर होते हैं और बास्केटबॉल में बच्चों 5 प्लेयर होते हैं, और जब बैडमिंटन की बात की जाती है एक या दो प्लेयर होते हैं। ठीक है, एक प्लेयर भी खेलता है कई बार बैडमिंटन में, दो प्लेयर भी खेलते हैं। अगला क्वेश्चन है सेवंथ क्वेश्चन लेके चलते हैं बच्चों हम लोग। सेवंथ है म्यांमार की मुद्रा कौन सी है, म्यांमार की मुद्रा कौन सी है, कौन सी म्यांमार की मुद्रा है। फर्स्ट है डॉलर ऑप्शन में, सेकंड है रुपया, थर्ड है टका एंड फोर्थ इज कयात। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि म्यांमार की मुद्रा कौन सी है। बताइए बच्चों म्यांमार की मुद्रा है कयात, म्यांमार की मुद्रा कयात है। इसके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूं बच्चों, म्यांमार वर्तमान नाम है, इससे पहले इसे बर्मा के नाम से जाना जाता था और बर्मा की जो राजधानी थी वो थी रंगून। आपने सुना होगा बहुत पुराना गाना है मेरे पिया गए रंगून, ठीक है, तो रंगून इसकी राजधानी थी बर्मा की, बाद में इसका नाम यंगून कर दिया गया था। वर्तमान में म्यांमार की जो कैपिटल है वो नेपिताई है, बर्मा की कैपिटल यानी म्यांमार की कैपिटल है नेपिताई। डॉलर जो है यूएसए का है, रुपया अपना इंडिया का हो गया, टका बांग्लादेश का है और कयात जैसे हमने देखा म्यांमार का है। चलिए एट्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एट्थ क्वेश्चन है भारत में लोकनायक की पदवी के साथ कौन संबंधित है, लोकनायक की पदवी किसे दी गई। फर्स्ट है लाला लाजपत राय ऑप्शन में, सेकंड है बाल गंगाधर तिलक, सी पार्ट है जयप्रकाश नारायण और डी पार्ट है मदन मोहन मालवीय। ये चार ऑप्शन है बच्चों, भारत में लोकनायक की पदवी के साथ कौन संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, जयप्रकाश नारायण और मदन मोहन मालवीय। बच्चों इसमें जो ऑप्शन है, इसमें जो आंसर आएगा एट्थ पार्ट का वो होगा जयप्रकाश नारायण। जेपी आंदोलन एक चला था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण कहा जाता है। आपने सुना होगा दिल्ली में एक हॉस्पिटल भी है एलएनजेपी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, आजकल बहुत चर्चा में भी रहता है वो कोरोना के कारण, वहां की रिपोर्ट दिखाते रहते हैं एलएनजेपी से। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी प्रिजन डायरी, प्रिजन डायरी 1974 में प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ था, उस दौरान जेल से इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी प्रिजन डायरी, जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग बच्चों। अच्छा बच्चों जैसे यहां हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है बाल लाल पाल किससे किसका संबंध है, बाल लाल पाल से किसका संबंध है। देखो बाल से होगा बाल गंगाधर तिलक, लाल से होगा लाला लाजपत राय और पाल से होगा विपिन चंद्र पाल, ठीक है। तो बाल लाल पाल
जब क्वेश्चन आता है तो आप बता सकते हैं, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल। नाइन्थ क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? बच्चों पहला ऑप्शन है पृथ्वीराज तृतीय, सेकंड है बघेल भीम, थर्ड है जयचंद और डी पार्ट है हमारा कुमारपाल। बताइए बच्चों निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? बच्चों आंसर है बी पार्ट, बघेल भीम। बघेल भीम ने मोहम्मद गोरी को हराया था। टेंथ क्वेश्चन लेके चलते हैं बच्चों हम लोग। टेंथ क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत रत्न का सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? निम्नलिखित में से भारत रत्न का सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पहला ऑप्शन है बच्चों बीसी रॉय, सेकंड है एस चंद्रशेखर, थर्ड है सीवी रमन एंड द डी पार्ट इज गोविंद वल्लभ पंत। तो बच्चों बताओ इनमें से भारत रत्न पहला भारत रत्न किसे प्राप्त हुआ था? बच्चों ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी पार्ट इज द राइट आंसर, सीवी रमन। बच्चों 1945 में 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन तीनों को ही भारत रत्न से नवाजा गया था। सीवी रमन को फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, सॉरी भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था और इन्होंने प्रकाश का प्रकीर्णन यानी रमन इफेक्ट जिसे रमन स्कैटरिंग भी कहा जाता है इसके कारण इन्हें फिजिक्स का यह अवार्ड मिला था। ही डिस्कवर दैट व्हेन ए लाइट पासेस थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल सम ऑफ द डिफ्लेक्टेड लाइट चेंजेस इन वेवलेंथ। इसका प्रतिपादन किया था, हिंदी में इसको मैं डिफाइन कर देता हूं, बता देता हूं, ट्रांसलेट कर देता हूं। प्रकाश का प्रकीर्णन वह प्रकीर्णन है जिसमें ऊर्जा का वाहक और प्रकीर्णन होने वाला विकिरण प्रकाश होता है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है जिससे प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ठीक है, तो इसे रमन इफेक्ट कहा जाता है, रमन स्कैटरिंग कहा जाता है और इसके लिए इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इलेवंथ क्वेश्चन लेके चलते हैं बच्चों हम लोग। इलेवंथ है अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार कहां पर स्थित है? अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार कहां पर स्थित है? अभ्रक होता है बच्चों माइका, MICA अभ्रक कहा जाता है माइका। देखो बच्चों इसमें जो ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, भारत, USA यूनाइटेड राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चार इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो बच्चों बताओ आंसर क्या होगा इसमें? अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार कहां पर है? फर्स्ट ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, सेकंड है भारत, थर्ड है संयुक्त राज्य अमेरिका और फोर्थ है ऑस्ट्रेलिया। बच्चों इसमें जो ऑप्शन होगा वो बी पार्ट होगा, बी पार्ट है भारत। ठीक है, तो भारत में अभ्रक का 80% पूरे वर्ल्ड का इंडिया से प्राप्त होता है, पूरे वर्ल्ड का 80% अभ्रक इंडिया से प्राप्त होता है माइका। ये जो खनिज है बच्चों इग्नियस रॉक यानी आग्नेय चट्टान और मेटामॉर्फिक रॉक यानी कायंत्रिक चट्टानों से प्राप्त होता है। ये पतली परत के रूप में प्राप्त होता है, रंगहीन है, कलरलेस है, यानी कई बार कलरलेस होता है, कई बार हल्के पीले रंग, हरे रंग, काले रंग का भी होता है और ये आंध्र प्रदेश से प्राप्त होता है, आंध्र प्रदेश के नल्लोर जिले से प्राप्त होता है। ठीक है, राजस्थान में भी ये प्राप्त होता है, ये जयपुर से उदयपुर तक जो पहाड़ी क्षेत्र है
उससे प्राप्त होता है। बिहार में लाल रूबी अभ्रक पाया जाता है, बिहार में लाल रूबी अभ्रक पाया जाता है। प्रश्न ये खड़ा होता है कि अभ्रक का यूज किसमें किया जाता है, ठीक है, अभ्रक का यूज कहां कहां किया जाता है। माइका इज यूज इन, देखो पेंट में किया जाता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में किया जाता है, रूफिंग में है, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि में किया जाता है। आपने आयरन प्रेस देखा होगा, उसमें जो एलिमेंट होता है उसमें यूज किया जाता है एलिमेंट के रूप में। अब बच्चों इसमें जो है, जैसे फर्स्ट ऑप्शन जो टेंथ क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन जो चल रहा था, टेंथ में जो है दक्षिण अफ्रीका दिया हुआ है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जो है बच्चों, दक्षिण अफ्रीका की कैपिटल है प्रिटोरिया। इसमें इसकी तीन कैपिटल है, एग्जीक्यूटिव जो है हमारा कैपिटल वो प्रिटोरिया है, लेजिस्लेटिव है कैपटाउन, और जुडिशियल जो है ब्लूम फाउंटेन है। ब्लूम फाउंटेन दोबारा बता देता हूं मैं, दक्षिण अफ्रीका की जो एग्जीक्यूटिव राजधानी है कैपिटल है वो प्रिटोरिया है, लेजिस्लेटिव है कैपटाउन, और जुडिशियल जो है वो है ब्लूम फाउंटेन। इसकी तीन राजधानी है, और जो इसकी लार्जेस्ट सिटी है वो है जॉन्सबर्ग। जो ब्लूम फाउंटेन जो इसकी राजधानी, जुडिशियल राजधानी, ब्लूम फाउंटेन का अर्थ होता है फूलों का फुहारा, ठीक है। भारत में ये आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। बच्चों मैं थोड़ा आंध्र प्रदेश के बारे में बता देता हूं, आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर बनने वाला इंडिया का पहला राज्य था, भाषा के आधार पर बनने वाला इंडिया का पहला राज्य था। इसका गठन हुआ था बच्चों 1 अक्टूबर 1956 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था, और इसकी जो राजधानी थी वो थी हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, और वर्तमान में कौन सी है, अमरावती। वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश से जो दूसरा राज्य निकला था वो था तेलंगाना, जिसका गठन 2014 में हुआ तेलंगाना का, और उसकी कैपिटल वर्तमान है हैदराबाद। हैदराबाद में चार मीनार है, जो कि सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाई गई थी। चार मीनार सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा 1591 में बनवाई गई थी। एक और क्वेश्चन आता है हैदराबाद का कि जुड़वा नगर के नाम से किसे जाना जाता है। देखो बच्चों, जुड़वा नगर के नाम से हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है। इनके बीच में एक झील है, उसे कहा जाता है हुसैन सागर झील, जिसके बीचों बीच जिब्राल्टर रॉक है, और उस पर महात्मा बुद्ध की एक प्रतिमा लगी हुई है। महात्मा बुद्ध का स्टैचू है, जिसकी हाइट 58 फीट है, लगभग 18 मीटर। तो बच्चों इन क्वेश्चंस को आप लोग थोड़ा देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं कि जब भी हम लोग कोई कुछ पढ़ा रहे होते हैं तो हम लोग केवल न केवल पढ़ा रहे होते हैं बल्कि अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, जो हमने इतने सालों में सीखा, ठीक है ना। तो जहां जहां से क्वेश्चन निकलते हैं वो मैं साथ साथ बताता जा रहा हूं आपको। अगला है 12th क्वेश्चन है हमारा, 12th है, जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा, जल वाष्प यानी वाटर वेपर में भंडारित ऊष्मा, हीट स्टोर्ड इन वाटर वेपर इज कॉल्ड, क्या कही जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट, सेकंड है गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट, थर्ड ऑप्शन है सी निरपेक्ष ऊष्मा एब्सोल्यूट हीट, डी पार्ट है अपेक्षिक ऊष्मा, यह है रिलेटिव हीट। तो बताइए बच्चों कौन सा इसमें आंसर होगा। 12th पार्ट होगा बच्चों गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा। अगला करते हैं बच्चों हम लोग, 13 है विक्षेपण बल, विक्षेपण बल की खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी। विक्षेपण बल यानी रिफ्लेक्शन फोर्स की खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी। एंड ऑप्शंस आर कोरियोलिस, फेरल, थॉर्नथ्वेट और कोपियन। बताइए बच्चों कौन सा आंसर होगा 13 का।
थड़िंगा बच्चों आंसर होगा बी पार्ट, फेरिल ने विक्षेपण बल यानी डिफ्लेक्शन फोर्स की खोज की थी फेरिल ने। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 है कंटूर काल्पनिक रेखाएं, कंटूर काल्पनिक रेखाएं किसे दर्शाती हैं, कंटूर काल्पनिक रेखाएं किसे दर्शाती हैं, सी ओ एन टी ओ यू आर कंटूर लाइंस, बताइए किसे दर्शाती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों समान वायुमंडलीय दाब वाले क्षेत्र को, सेकेंड ऑप्शन है समान तापमान वाले क्षेत्र को, सी ऑप्शन है बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र को, और डी ऑप्शन है बराबर धूप वाले क्षेत्र को, बताइए बच्चों। बच्चों इसमें आंसर इज सी पार्ट, बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र को दर्शाने वाली रेखाएं कंटूर काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं। मैं इसको थोड़ा डिफाइन कर देता हूं, सर्वे मैप पर भूरे रंग से खींची हुई रेखाओं को कंटूर रेखाएं कहते हैं, जो समुद्री सतह से निश्चित ऊंचाई वाले भूभाग से गुजरती हुई अपनी ऊंचाई की रेखाओं में आकर मिलती हैं। कंटूर रेखाओं से हम सर्वे मैपों पे किसी स्थान की समुद्री तल से ऊंचाई का पता लगाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग बच्चों, 15 है दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है। देखो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन है ए पार्ट जल संभर यानी वाटरशेड है, जल विभाजक, दोआब या तराई। तराई क्या होता है बच्चों, ए बेल्ट ऑफ मार्शी एंड एट द फुल फुट ऑफ माउंटेन्स, पहाड़ों की तराई में बसा हुआ क्षेत्र। ठीक है बच्चों इसका ऑप्शन होगा आंसर होगा सी पार्ट दोआब। बच्चों दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहा जाता है। आपने जिस जो स्टूडेंट हिस्ट्री से हिस्ट्री आर साइड से हैं उन्होंने हिस्ट्री में दोआब का सुना होगा, दोआब पर कर लगाया गया था, किसके द्वारा लगाया गया था बच्चों, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा लगाया गया था, जिसे पागल बादशाह भी कहा जाता है, गुलाम वंश से है मोहम्मद बिन तुगलक, थोड़ा उसके बारे में पढ़ना, दोआब पर कर लगाया था। ठीक है उसने अपनी जो योजनाएं बनाई थी, एक तो सांकेतिक सिक्के चलाए थे जो बाद में उसकी योजना विफल रही, राजधानी परिवर्तन था, देवगिरी किया गया था, दूसरा हमारा उसने एक सेना का निर्माण किया गया था, खुरासान की तरफ भेजी थी उसने, वो भी उसका विफल रहा। तो इस तरह से जो तीन चार उसने योजनाएं बनाई, दोआब पर कर लगाया, तो ये चार ही जो योजनाएं उसकी विफल रही मोहम्मद बिन तुगलक की, जिसके कारण उसे पागल बादशाह कहा जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 लेके चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है। फर्स्ट ऑप्शन है असम ए पार्ट, बी पार्ट है मणिपुर, सी पार्ट नागालैंड और डी पार्ट अरुणाचल प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, असम मणिपुर नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। बच्चों आंसर है असम, असम की सीमा जो है म्यांमार से नहीं लगती है। मैं थोड़ा बता देता हूं ऑप्शन वाइज इसको थोड़ा डिफाइन कर देता हूं, असम को असोम नाम से भी जाना जाता है और प्राग ज्योतिषपुर के नाम से भी जाना जाता था। वर्तमान में असम की जो राजधानी है वो है दिसपुर,
मणिपुर की है इम्फाल, नागालैंड की है कोहिमा और अरुणाचल प्रदेश की है ईटानगर। मिजोरम और सॉरी म्यांमार और इंडिया के बीच में पहाड़ी है, उससे कहा जाता है मिजो नागा पटका हिल, मिजो नागा पटका हिल। मिजो से मिजोरम बन गया है, ठीक है, नागा से नागालैंड बन गया है, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूं मिजो नागा पटका हिल उसको कहा जाता है पहाड़ी को। अगला हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा मैं बता देता हूं बच्चों, इसमें नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे स्टेट्स हैं वो है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, असम की राजधानी दिसपुर है, मणिपुर की इम्फाल, मेघालय की शिलोंग, ठीक है, और मेघालय का एक और बता देता हूं मैं, सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है चेरापुंजी में हुआ करती थी आज से 20 साल पहले, तो अभी जो क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा वर्षा का कहां होती है, वो मासिनराम में होती है बच्चों। और मिजोरम की राजधानी आइजोल, नागालैंड की कोहिमा, सिक्किम की गंगटोक और त्रिपुरा की अगरतला। तो ये राजधानी थोड़ा याद कर लेना आप। अगला हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 क्वेश्चन कहता है काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए उपयोगी है, उपजाऊ है और किस फसल से संबंधित है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो यहां बच्चों ऑप्शन है कपास, ईख, चाय और कॉफी। काली मिट्टी के लिए, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है, तो बच्चों ऑप्शन जो हमारा ए है वो राइट है, ये कपास के लिए है, ठीक है, कपास जो होती है काली मिट्टी में पैदा की जाती है, उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर कौन सा है, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों रुद्रप्रयाग, सेकंड है देवप्रयाग, थर्ड है विष्णुप्रयाग एंड फोर्थ इज कर्ण प्रयाग। बताइए बच्चों कौन सा राइट आंसर है। बच्चों इसमें आंसर है देवप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है देवप्रयाग। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 लेके चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारा राजनीतिक अधिकार नहीं है, पॉलिटिकल राइट नहीं है। फर्स्ट है बच्चों ऑप्शन मत देने का अधिकार यानी राइट टू कास्टिंग वोट, बी पार्ट है जीवन का अधिकार राइट टू लिव, सी पार्ट है चुनाव लड़ने का अधिकार राइट टू कंटेस्ट और डी पार्ट है सरकार के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार। ठीक है, सरकार के अधिशासी निकाय जो है उसके जो डिपार्टमेंट है उसमें कंप्लेंट करना, राइट टू कंप्लेंट। बताइए बच्चों थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए कौन सा इसमें से हमारा आंसर होगा। 19 क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, इसमें है बच्चों जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार ये हमारा राजनीतिक अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 लेते हैं हम लोग, गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं, महात्मा गांधी जी की महत्वपूर्ण शिक्षाएं कौन सी हैं। फर्स्ट है सत्य, सेकंड है अहिंसा, थर्ड है धर्म यानी रिलीजन और फोर्थ है सत्याग्रह होल्डिंग ऑन टू ट्रुथ, सत्याग्रह। तो बताइए बच्चों इनमें कौन कौन सा होगा, जैसे हमने अभी वीएस नोयपाल वाला क्वेश्चन किया था उसमें भी इस तरह के ऑप्शंस थे, इसमें भी इस तरह के ऑप्शन है, ठीक है ना, सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा बच्चों, इसमें होगा बच्चों सी पार्ट, फर्स्ट और सेकंड सत्य और अहिंसा, ये महात्मा गांधी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं थी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग उठाते हैं 21 क्वेश्चन है बच्चों, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ
शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ। एकात्मक पद्धति होते बच्चों ऑटोक्रेसी, ठीक है, कौन कौन सा है, अधिक अधिक अनुकूलनशीलता, बी पार्ट है दृढ़ राज्य यानी स्ट्रॉन्ग स्टेट, जनता द्वारा सहभागिता यानी पार्टिसिपेट करना, सत्तावाद की कम संभावना होना, ठीक है, संभावना होता है पॉसिबिलिटी। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, आंसर होगा बच्चों इसमें सी पार्ट, जनता द्वारा आर्थिक सहभागिता, जनता द्वारा आर्थिक सहभागिता। तो बच्चों 21 क्वेश्चन है, मैं भी पेज पलटूंगा, आपने 50 क्वेश्चन करने। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, पेज पलटते हैं इसका। बच्चों जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो का पहुंचता रहे। चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का घटक नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का घटक नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज जनसंख्या, सेकंड है भूमि, थर्ड है सेना यानी आर्मी, एंड फोर्थ है गवर्नमेंट यानी सरकार। पॉपुलेशन, लैंड, आर्मी या फोर्स और गवर्नमेंट। तो बताइए निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य का घटक नहीं है। बच्चों ऑप्शन है सेना, ऑप्शन क्या है सेना। अब देखो राज्य के घटक के लिए क्या क्या चीजें उपयोगी हैं, एक तो भूमि होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए और सरकार होनी चाहिए, ठीक है, ये है। तो तीन राज्य के घटक है सेना, अगर ऑप्शन में आ रहा है तो सेना को हटाया जा सकता है, ठीक है, तीनों को लिया जा सकता है, ठीक है, ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है उनमें महत्वपूर्ण क्या क्या है, क्योंकि हमने एक को हटाना तो इसमें सेना को हटाया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान के अनुसार मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे या पद पर बने रहेंगे। इसमें बच्चों मंत्रिपरिषद की बात की जा रही है, इसमें जो हमारा आंसर आएगा भारत के राष्ट्रपति किसको नियुक्त करते हैं, प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री अपने अधीन मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। तो यहां ऑप्शन जो हमारा है बी पार्ट वो हमारा राइट आंसर होगा, भारत के प्रधानमंत्री की इच्छा रहने तक पद को संभालेंगे, ठीक है, क्योंकि मंत्री चेंज होते रहते हैं, वो प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है, ठीक है, ये है। 24th क्वेश्चन है बच्चों, संसद में शामिल, संसद में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, सेकंड है लोकसभा और राज्यसभा, थर्ड है लोकसभा और विधानसभा, डी पार्ट है विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा। तो बच्चों देखो कौन सा राइट आंसर होगा हमारा, संसद में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, देखिए विधानसभा जो है इसका जो 24 का जो हमारा आंसर आएगा, 24 का हमारा आंसर है बच्चों ए पार्ट, संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों के मेल से बनती है संसद, संसद इसी को कहा जाता है। 25th क्वेश्चन है बच्चों, यह निर्णय
कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, सेकंड है प्राइम मिनिस्टर, सी पार्ट है वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर और लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, ये हमारे पास चार ऑप्शन है। बताइए बच्चों, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? बच्चों इसमें आंसर है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, तो डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, लोकसभा का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। वाहन चालक हेतु पशच दृश्य दर्पण, वाहन चालक हेतु पशच दृश्य दर्पण होता है। क्या होता है बच्चों? ये बैकसीन मिरर है। ठीक है, जो हम लोग कार वगैरह में साइड में मिरर लगा होता, हम लोग पीछे की तरफ देखते हैं। ठीक है, ए पार्ट है साधारण मिरर, देन है अवतल लेंस जिसे कॉन्केव लेंस कहा जाता है या कॉन्केव मिरर कह सकते हैं हम लोग, यह है उत्तल लेंस यानी कर्व लेंस, यह है प्रतिलोमित लेंस यानी इनवर्स लेंस। तो बच्चों इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? 26 क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, इसका बच्चों उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल लेंस है यानी कर्व लेंस। अगला 27th बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, लीग ऑफ नेशन का है। लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी? लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन है 10 फरवरी 1920, 10 दिसंबर 1919, 10 जनवरी 1920 और 1 जनवरी 1920। बताइए बच्चों कौन सा राइट आंसर होगा? लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन है बच्चों, देखो बच्चों लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1920, 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी। ठीक है, अभी लीग ऑफ नेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, इसको LON भी कहा जाता है शॉर्ट में, LON। ठीक है, कभी अब्रिविएशन में आपसे पूछा जाता है LON से क्या तात्पर्य है, तो ये लीग ऑफ नेशन है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था बच्चों? 1914 से 1918 तक। ठीक है, 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। इसके बाद एक ऐसी संस्था की जरूरत महसूस हुई जो कि दो राष्ट्रों के बीच में होने वाले विवाद का निपटारा कर सके। ठीक है, क्योंकि जब दो लोगों में विवाद उत्पन्न होता है तो कुछ देश एक कंट्री का साथ दे देते हैं, कुछ देश दूसरे कंट्री का, तो उससे क्या होता है ग्रुपिंग हो जाती है और वो वर्ल्ड वार का कारण बना था फर्स्ट वर्ल्ड वार में। ठीक है, तो वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद वर्ल्ड वार जो फर्स्ट हुआ उसके बाद ऐसी किसी संस्था की जरूरत महसूस हुई जो कि ऐसे विवाद का निपटारा कर सके। ठीक है, तो इसका गठन किया गया लीग ऑफ नेशन का, इसमें गठन किया गया। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर था बच्चों वो था जिनेवा में स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और मोटिव जैसे मैंने बताया मेंटेन वर्ल्ड पीस था। ठीक है, और इसने जो अपना कार्य जो किया वो 1939 तक बखूबी किया। ठीक है, 1939 में हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ था, 1945 तक रहा वो 1945 तक। ठीक है, तो 1918 से 1939 तक विश्व में जब भी कुछ देशों के बीच में विवाद उत्पन्न हुआ तो उसका निपटारा लीग ऑफ नेशन ने किया। ठीक है, और इसकी स्थापना की थी वुड्रो विल्सन ने इसकी स्थापना की थी लीग ऑफ नेशन की। ठीक है, 10 जनवरी 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और ये जो क्लोज हुआ था बच्चों, ये मैं लिख देता हूं यहां पे,
20 अप्रैल 1946 में इसको क्लोज कर दिया था, 46 में, ठीक है। और इसकी जो तीन जो मुख्य ब्रांचेस थी, ठीक है, वो थ्री ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस वर ट्रांसफर टू यूएन, यूनाइटेड नेशन को ट्रांसफर कर दिए गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। पहला था द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड था कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस एज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और थर्ड था द हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसको जो ट्रांसफर कर दिया था यूएन के अंतर्गत, जिसका गठन 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था, ठीक है, और इंडिया इसका, ठीक है, शुरू से ही सदस्य रहा। तो ये हमारा लीग ऑफ नेशन की हम लोग बात कर रहे थे। 28th क्वेश्चन है बच्चों, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है ये, ठीक है, थोड़ा विवादित भी रहता है। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? अब देखो बच्चों, इसमें है जौ और चावल, बी ऑप्शन है दूध और इसके उत्पाद, सी ऑप्शन है चावल और दालें, डी ऑप्शन है सब्जियां और फल, ठीक है। अभी देखो बच्चों, बुक्स वगैरह में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें जौ, दूध और इसके उत्पाद, सब्जी और फल, ये तीनों चीजें आ जाती हैं, ठीक है, तो यहां कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। अभी हमने जौ भी पढ़ा हुआ है, दूध और इसके उत्पाद भी पढ़े हुए हैं, सब्जियां और फल भी पढ़ा हुआ है, बट क्योंकि जो इसमें पहले आ रहा है तो हम लोग ए पार्ट पे आंसर लगाएंगे, ठीक है। तो जो मुख्य था, जो और गेहूं, ठीक है। तो अभी हम लोगों को जो यहां मिलता है तो हमें इस पे निशान लगाना पड़ेगा, ठीक है। और दूध और इसके उत्पाद भी थे और सब्जियां और फल भी थे, ठीक है, तो यहां कंफ्यूजन वाला है, तो हम लोग जो आने के कारण इसका आंसर ए लगाएंगे। बुक्स वगैरह पढ़ेंगे तो तीनों चीजें इसमें मिलती हैं, ठीक है, बट जो पहले आया है, ठीक है, तो हम वैदिक आर्यों से इसको जो को जोड़ देते हैं, तो फर्स्ट वाला आंसर विल बी राइट आंसर, ठीक है। चलिए 29th क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं बच्चों, ठीक है। जो होता है बच्चों बार्ले, ठीक है, और चावल तो आपको पता है राइस है, ठीक है, दूध होगा हमारा मिल्क, और पल्सेस होगी दालें होगी, ठीक है, सब्जी और वेजिटेबल और फ्रूट्स हो गया। 29th क्वेश्चन हम लोग उठा के चलते हैं बच्चों। 29th क्वेश्चन है, मांग पैदा करने के लिए जरूरी है, मांग यानी डिमांड के लिए क्या जरूरी है? उत्पादन यानी मैन्युफैक्चरिंग, दाम यानी रेट, आय यानी इनकम, और आयात यानी इंपोर्ट, ठीक है। आयात होता है इंपोर्ट और निर्यात होता है एक्सपोर्ट। तो बच्चों इसके लिए क्या जरूरी है मांग पैदा करने के लिए? आय का होना जरूरी है, ठीक है, मांग पैदा करने के लिए आय का होना आवश्यक है, जरूरी है, ठीक है। जब किसी व्यक्ति की आय होगी जबी वह चीजों को परचेस कर पाएगा, ठीक है, खरीद पाएगा। जब आय ही नहीं होगी तो वो चीजों को परचेज नहीं कर पाएगा, जो उसकी मिनिमम जरूरतें होंगी उसी को ही पूरा करेगा। क्वेश्चन नंबर 30th है बच्चों, 30th क्वेश्चन है, परिदर्शी यानी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? बच्चों पेरिस्कोप होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। पेरिस्कोप के लिए मैं एक पेपर पे एक बना के आपको दिखाऊंगा। जैसे ये समुद्र है, ठीक है, अब इस पे जो जहाज है, ठीक है, एक जहाज है, समुद्र के तल पर ऊपर होने वाली किसी भी घटना को वो देख सकता है, ठीक है। एक होती है पनडुब्बी जो कि समुद्र के पानी के नीचे चली जाती है, ठीक है, समुद्र में पानी के अंदर चली जाती है। अब जब वो पानी के अंदर चली जाती है, ठीक है, और पानी के ऊपर यदि दुश्मन का जहाज है तो वो किस तरह से देख पाएगी, ठीक है, अगर ऊपर होगी तो वो जो जहाज है वो उसको उस पर हमला कर सकता है। तो पनडुब्बी जो होती है पानी के अंदर चलती है, अब जब पानी के अंदर है तो वो सतह पर कैसे देख पाएगी, इसके लिए क्या है, जैसे ये पनडुब्बी है, ठीक है, इसमें पेरिस्कोप लगाया जाता है, ठीक है, इस तरह का पेरिस्कोप काम करता है, ठीक है, ये पेरिस्कोप है, ठीक है। अब देखो ये ये जहाज है, ठीक है, इसका व्यू इसके अंदर दिखाई देता है, यहां पे एक शीशा लगाया जाता है, मिरर लगाया जाता है, इसकी इमेज यहां बनती है, ठीक है, और यहां एक शीशा लगाया जाता है, ठीक है, ये इमेज यहां टकराती है, ठीक है, और यहां जो पनडुब्बी के अंदर व्यक्ति बैठा हुआ है वो इसके अंदर देख के सतह पर क्या चल रहा है वो इसको देख सकता है, तो इसको पेरिस्कोप कहा जाता है बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, पेरिस्कोप हमने समझ लिया है, परिदर्शी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है,
ठीक है। पहला ऑप्शन है बच्चों अपवर्तन, पहला ऑप्शन फर्स्ट है अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक, परावर्तन, विवर्तन, डिफ्रेक्शन और परावर्तन रिफ्लेक्शन, ठीक है। थर्डिट क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों हम लोग, इसका आंसर है बच्चों परावर्तन, ठीक है। किस पर काम करता है ये? परावर्तन पर काम करता है, ठीक है। थर्डी फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? अपचायक है, ऑक्सीडाइजिंग है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उपचायक है, निर्जली कारक है यानी डिहाइड्रेशन का है, विरंजक कारक है यानी ब्लीचिंग एजेंट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इनमें से क्या है ये आपको बताना है बच्चों। इसमें आंसर इज बी पार्ट, आंसर इज बी पार्ट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट है, उपचायक। अगला है बच्चों हमारा 32, मानव रक्त का रंग लाल होता है, मानव रक्त का रंग लाल होता है, ठीक है। ब्लड के कलर की बात की जा रही है, मानव रक्त का रंग लाल होता है, किस कारण से होता है ये बच्चों? ऑप्शन ए है हमारा मायोग्लोबिन के कारण, मायोग्लोबिन के कारण। सेकंड ऑप्शन है हीमोग्लोबिन के कारण। थर्ड ऑप्शन है इम्यूनोग्लोबिन के कारण। एंड डी पार्ट हेप्टोग्लोबिन के कारण, ठीक है बच्चों। ये चार पार्ट है, 32 क्वेश्चन है, तो बताइए मानव रक्त का रंग लाल किस कारण से होता है बच्चों? ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। एक बच्चों क्वेश्चन आता है खून का थक्का जमता किस विटामिन के कारण, किस विटामिन के कारण खून का थक्का नहीं जमता? विटामिन के होता है बच्चों ना, ये क्वेश्चन भी आता है विटामिन वाले इसमें, सॉरी ब्लड वाले क्वेश्चन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं बच्चों हम लोग 33 क्वेश्चन है बच्चों, तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? तांबा मीन्स कॉपर, तांबा किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? फर्स्ट है तपाने से यानी वार्मिंग से, सेकंड है ऑक्सीकरण से, थर्ड है हमारा विद्युत अपघटन से, डी पार्ट है मंडल परिष्करण से। बताइए ऑप्शन कौन सा राइट होगा बच्चों 33 का? ये होगा बच्चों डी पार्ट, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस से, वार्मिंग से, ऑक्सीकरण से, ओजोन रिफाइनिंग से, ठीक है। तो हमारा डी पार्ट विल बी राइट आंसर, विद्युत अपघटन से यानी इलेक्ट्रोलाइसिस से। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग बच्चों 34 है, दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? दुग्ध उत्पादन यानी मिल्क के प्रोडक्शन में इंडिया का वर्ल्ड में कौन सा रैंकिंग है? फर्स्ट ऑप्शन इज फोर्थ, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट। बताइए बच्चों, बच्चों इसमें आंसर रहेगा डी पार्ट फर्स्ट, भारत का दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान है। 35 करते हैं बच्चों हम लोग, क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका यानी सिंघल को पहले जीता था? फर्स्ट ऑप्शन इज आदित्य प्रथम, सेकंड है राजराज प्रथम, थर्ड है राजेंद्र एंड फोर्थ इज विजयालय। बताइए बच्चों कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें बच्चों राइट आंसर होगा सेकंड पार्ट, राजराज प्रथम, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग 36 क्वेश्चन करते हैं, नंबर 36, 50 क्वेश्चन का सेट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई? किसकी विफलता के पश्चात स्वराज पार्टी बनाई गई? एंड ऑप्शंस आर ए पार्ट है असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में स्टार्ट हुआ था महात्मा गांधी के नेतृत्व में,
सेल्फ गवर्नेंस कहा जाता है, फुल इंडिपेंडेंस, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिस ओबीडियंस, ये हुआ था बच्चों 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन, ये हुआ था बच्चों 1942 में, 8 अगस्त 1942 को हुआ था। वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान टू एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, और डी पार्ट है चंपारण का सत्याग्रह जो कि 19 अप्रैल 1917 को हुआ था। तो बताइए बच्चों, इनमें से स्वराज पार्टी किसी विफलता के बाद बनाई गई थी? बच्चों ए पार्ट है असहयोग आंदोलन, मैं दोबारा बता देता हूं, असहयोग आंदोलन जो था 1920 में हुआ था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। सेल्फ गवर्नेंस की बात की गई थी, फुल इंडिपेंडेंस की। सेकंड था सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन, ये हुआ था बच्चों 8 अगस्त 1942 को हुआ था। वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान हुआ था, जैसे अभी मैंने बताया वर्ल्ड वार सेकंड हुआ था 1939 से 1945 के बीच में हुआ था, ठीक है ना। तो 1942 में ये स्टार्ट हुआ, और डी पार्ट है चंपारण का सत्याग्रह, ये हुआ 19 अप्रैल 1917, ठीक है, 19 अप्रैल 1917। चलिए 37 करते हैं, अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन नंबर 37, अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? फर्स्ट आपका ऑप्शन है बच्चों सर आगा खां, बी पार्ट है मौलाना अल्ताफ हुसैन अली, सी पार्ट मौलाना शिबली, और डी पार्ट सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम्स में आता रहता है ये बच्चों, रहेगा डी पार्ट सर सैयद अहमद खां, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन करते हैं, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है, ठीक है। ए पार्ट है बच्चों विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। बताइए बच्चों कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तेजी से बनता है? बच्चों इसका आंसर होगा विटामिन डी। विटामिन डी जो है हमारे शरीर में सबसे तेजी से बनता है, ठीक है, और किससे प्राप्त होता है? सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है विटामिन डी, है ना। ये तो शहरों में विटामिन डी से भी लोग पीड़ित होते हैं, जो चीज़ ईश्वर ने हमें फ्री में प्रोवाइड कराई है, ठीक है, उसको भी हम लोग सही ढंग से ले नहीं पाते हैं, ठीक है, भाग दौड़ की लाइफ में। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन करते हैं, रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर कौन सा है? रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर कौन सा है? बताइए बच्चों, एंड द ऑप्शंस आर वर्णमंडल, क्रोमोस्फीयर कहा जाता है इसे, शोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर, आयन मंडल, आयनोस्फीयर, और डी पार्ट समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर राइट होगा? बच्चों इसमें होगा आयन मंडल, सी पार्ट आयन मंडल, आयनोस्फीयर कहा जाता है। एफएम सिग्नल आर ओकेशनली रिफ्लेक्टेड बैक टू अर्थ बाय आयनोस्फीयर, ठीक है, तो आयन मंडल कहा जाएगा। क्वेश्चन 40 है बच्चों, अमरबेल यानी कसकुटा क्या है? अमरबेल से क्या तात्पर्य है? फर्स्ट ऑप्शन इज आंशिक तना परजीवी है, बी पार्ट है हमारा पूर्ण तना परजीवी है, सी पार्ट आंशिक मूल परजीवी है, डी पार्ट पूर्ण मूल परजीवी है। बच्चों इसमें बी पार्ट आएगा पूर्ण तना परजीवी। चलिए 41 लेते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है बच्चों, किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? किसने कहा था कि अर्थशास्त्र
धन का विज्ञान है। फर्स्ट ऑप्शन है रॉबिन्स, सेकंड है जेएस मिल, थर्ड है एडम स्मिथ एंड फोर्थ है किन्स। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह बच्चों कहा गया था एडम स्मिथ के द्वारा। एडम स्मिथ के द्वारा कहा गया था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। चलिए बच्चों, अर्थशास्त्र से एक क्वेश्चन दिमाग में आया, क्वेश्चन आता है अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखित पुस्तक है। बच्चों ये जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, ये लिखी गई थी कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य। ठीक है, चाणक्य ये तीनों नाम है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य। ठीक है, तो ये पुस्तक अर्थशास्त्र पुस्तक कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन और बनता है कि अर्थशास्त्र किस सब्जेक्ट, किस विषय पर लिखी हुई पुस्तक है। तो बच्चों जो है अर्थशास्त्र, ऐसा लगता है कि अर्थशास्त्र जो है इकोनॉमिक्स पर लिखी गई है, पर ऐसा नहीं है, राजनीति पर लिखी गई पुस्तक है अर्थशास्त्र। ठीक है, जिसे लिखा था कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। ए पार्ट है आइवरी कोस्ट, सेकंड है ब्राजील, थर्ड है भारत और डी पार्ट मैक्सिको। तो बताइए बच्चों विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। बच्चों इसमें है ब्राजील। ठीक है, ब्राजील कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, मैक्सिको मैक्सिको सिटी है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है वायुमंडल के ऊपरी स्तरों में विद्यमान ओजोन अवशोषण करती है। किस चीज का अवशोषण करती है ओजोन परत। ऑप्शन आर पैराबैंगनी सौर विकिरण का, धूलिकणों का यानी धूल के कणों का, एक्रिय गैसों का, विद्युत चार्ज वाले कणों का। तो बताइए ओजोन जो परत है किसका अवशोषण करती है। बच्चों ये अल्ट्रावायलेट किरणों का करती है, पैराबैंगनी सौर विकिरण का करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 भारत की पहली बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था। भारत की पहली बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था। बच्चों ये हुआ था सतलुज नदी पर, दामोदर नदी पर, महानदी पर या गोदावरी पर। ये चार ऑप्शन है आपके पास, किस नदी पर भारत की पहली बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण हुआ था। बच्चों ये हुआ था दामोदर नदी पर। किस पर हुआ था, दामोदर नदी पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45 है निम्नलिखित में कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है। तो बच्चों ऑप्शन आर नर्मदा, कोसी, ब्रह्मपुत्र और दामोदर। बच्चों ऑप्शन है कोसी। ठीक है, ऑप्शन क्या है, कोसी नदी। अगला करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से किसको सहस्त्रादि पर्वतमाला भी कहा जाता है। सहाद्री पर्वतमाला भी कहा, निम्नलिखित में किसको सहाद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। फर्स्ट है पूर्वी घाट, सेकंड है पश्चिमी घाट, सी पार्ट है शिवाली घाट और डी पार्ट है विंध्य पर्वत। बताइए बच्चों इसमें जो है बी पार्ट है पश्चिमी घाट, बी पार्ट है पश्चिमी घाट। अगला करते हैं हम लोग। बच्चों मैं ये जो पिछले क्वेश्चंस थे इनको थोड़ा डिफाइन करना चाह रहा था, परंतु समय, जब वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो जाती है तो बच्चे उसको
देखना बंद कर देते हैं, इसलिए मैं थोड़ा उस पर डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे बिहार का शोक कोसी नदी होता है, ठीक है, मैं उस पर बताना चाह रहा था थोड़ा आपको, ठीक है। बिहार का शोक कोसी नदी हो गया, ठीक है। चीन का शोक हुआंगो नदी या पीली नदी होती है, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, पर अभी मैं इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, 47। बादल वायुमंडल में तैरते हैं, किस कारण से बादल वायुमंडल में तैरते हैं? अब ये कहता है अपने निम्न ताप के कारण तैरते हैं, ऑप्शन है। बी पार्ट है निम्न वेग के कारण, सी पार्ट है अल्प दाब के कारण, डी पार्ट है अल्प घनत्व के कारण। आपसे पूछा जाता है बादल वायुमंडल में किस कारण से तैरते हैं। बच्चों इसमें जो है डी पार्ट आंसर है, अल्प घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है बच्चों, 48 है, भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? ऑप्शन है बच्चों, ए पार्ट कैगा, ए पार्ट कैगा, बी पार्ट तारापुर, सी पार्ट नरोरा और डी पार्ट कोटा। एंड द आंसर इज बी तारापुर। आंसर क्या है बच्चों? बी तारापुर। भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र तारापुर है। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों हम लोग, 49 है। ऊंचे क्षेत्रों में लैटराइट मृदा की रचना होती है। हिली एरिया में लैटराइट मिट्टी जो है मृदा की रचना होती है। ऑप्शन आर क्षारीय, बी पार्ट लवणीय, सी पार्ट अम्लीय और डी पार्ट संतुलित। बच्चों इसमें सी पार्ट आंसर होगा अम्लीय, सी पार्ट अम्लीय। बच्चों जैसे अभी हम लोग 50 क्वेश्चंस पे आ गए हैं, अगर आपको किसी क्वेश्चन में थोड़ा डाउट हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है, उसको हम लोग दोबारा चेक करेंगे, ठीक है। वैसे हम लोगों ने बहुत चेक करके इसको बनाया हुआ सेट को, अगर किसी को कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में गए, हम इसको दोबारा चेक करेंगे, ठीक है। यदि किसी क्वेश्चन में आपको थोड़ा डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताएं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, पेशवाओं का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? पेशवाओं का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन आर परशुराम, त्र्यंबक, बी पार्ट रामचंद्र पंत, सी पार्ट बालाजी बाजीराव और डी पार्ट बालाजी विश्वनाथ। बताइए बच्चों पेशवाओं का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? बच्चों जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ठीक है। हमने मोर देन 80 लेक्चर इसमें डाले हुए हैं चैनल पर, इन क्वेश्चंस को देखें, बार बार करने का प्रयास करें। मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, जनरल स्टडी है और रीजनिंग, सभी पोर्शन पे अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को करें जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं में बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 50 है, इसका आंसर है बच्चों डी पार्ट बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ। और आपके कोई कमेंट हो, कुछ आप इसमें कुछ ऐड कराना चाहते हो, आपके कुछ सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू स्टूडेंट फॉर योर कोऑपरेशन, थैंक्स।